महात्मा बुद्ध की मूर्ति ने उजागर कर दिया भारत और रोमन व्यापारियों का संबंध को। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हाल ही में मिस्र में भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति को बाहर निकाला गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये मूर्ति रोमन साम्राज्य के वक्त की है। इसे पुरातात्विक मिशन की पॉलिश टीम ने उत्खनन में निकाला है। इतना ही नहीं, मूर्ति के साथ संस्कृत में लिखे हुए शिलालेख और पौराणिक समय के कुछ कॉइन्स भी निकाले गए हैं। वैसे तो विदेशों में कई बार भारत की पुरातात्विक चीजें मिलती रही हैं, लेकिन इस बार दुनिया के सबसे पुराने देश इजिप्ट में भारत की पुरातात्विक चीजें पाई गई। यह पुरातत्व बेरेनिक पोर्ट के पास एक मंदिर के पास की जमीन से निकाला गया है, जो इस बात को साबित करता है कि भारतीय व्यापारियों के लिए इस मूर्ति को मंदिर में रखा गया होगा। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी रोमन और भारत के बीच के व्यापारियों के रिश्ते कितने मजबूत थे, जिस कारण से भारत के व्यापारियों के लिए ये मूर्ति मंदिर में रखी गई थी। यह मूर्ति मिस्र के बेरेंस बंदरगाह के पास ढूंढी गई है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूर्ति को यहीं तराशा गया होगा और भारतीय व्यापारियों के लिए इस मंदिर में रखा गया होगा। मूर्ति करीब 28 सेंटीमीटर ऊंची है और खंडित अवस्था में पाई गई है, जिसके एक हाथ में कमल का फूल है और मूर्ति का दूसरा पैर मिसिंग बताया जा रहा है। जो सिक्के मिले हैं वो राजा अशोक के साम्राज्य के वक्त के बताए जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत देता है कि भारतीय व्यापारी उस वक्त से या उससे भी पहले से रोमन के साथ व्यापारिक संबंध से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, रोमन और भारत की व्यापारिक रिश्तों की पुष्टि खुद द हेड ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल मुस्तफा अल वजीर ने की है। उन्होंने कहा कि बेरेंस बंदरगाह एक महत्वपूर्ण जगह थी व्यापारिक संबंधों के लिए, जहां अक्सर भारत से शिप्स के जरिए या रेगिस्तान के जरिए काली मिर्च, हाथी के दांत और कपड़े जैसी चीजों को समुद्र के रास्ते या रेगिस्तान के रास्ते भेजा जाता था। इतना ही नहीं, 2021 में तमिलनाडु में पुराने वक्त के बड़े मटके, या जिन्हें आप टॉर्पिडो जार्स भी बोल सकते हैं, वो मिले थे, जिनकी बनावट इजिप्ट के टॉर्पिडो जार्स की तरह ही थी, जिनसे वो तेल एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे, जो खुद में इस बात का सबूत था कि इजिप्ट और भारत आपस में चीजों की क्रय विक्रय करता था। दुनिया के अलग अलग देशों से भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते कई सारे इजिप्ट से इस मूर्ति और बाकी चीजों का मिलना हमारी इकोनॉमिक ताकत को दिखाता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए आपको पता लग जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।